ये मुकाबला है कांटे का और इस बात की पूरी गारंटी है। तो सोचिए मत, जल्दी से बनाइए अपनी फेवरेट टीम ओनली ऑन माय टीम 11 इंडिया की अपनी फैंटेसी। रिकी मत, आपका स्वागत है। कोरोना हालात के बीच संपन्न हुए मॉनसून सत्र को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि चुनौतीपूर्ण माहौल में सत्र का आयोजन भी जरूरी था। ऐसे में अलग अलग देशों की संसदीय कार्यप्रणाली देखी गई। वहीं उन्होंने नए संसद भवन के लिए 892 करोड़ के बजट और 21 महीने में भवन पूरा होने की भी जानकारी दी। लोकतांत्रिक संस्थाओं को कैसे सशक्त किया जा सकता है, कैसे मजबूत किया जा सकता है, ताकि हम हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं को भी मजबूत करें और संवैधानिक मूल्यों को भी सशक्त करें। इसके लिए संसद जहां पर देश के चुने हुए लोग, जनता से चुने हुए लोग भी बैठते हैं और राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग भी बैठते हैं। ये हमारी दोनों संस्थाएं हमारे लोकतंत्र के प्रतिबिंब है और इसीलिए हमारी कोशिश रहती है कि इस लोकतांत्रिक संस्थाओं में स्वस्थ परंपराएं रहें, सार्थक चर्चा हो, वाद विवाद हो, चुने हुए जनप्रतिनिधि अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति कर सकें। और इसलिए इन कठिन परिस्थितियों में भी सत्र आयोजित करना बहुत आवश्यक था। विश्व के अंदर जितने भी संसद हैं या लोकतंत्र की चुनी हुई संस्थाएं हैं, उनका भी हमने अध्ययन किया था, क्योंकि कोविड महामारी एक विश्वव्यापी थी कि कैसे वहां की संस्थाएं काम कर रही हैं। कई संसदों ने वर्चुअल अपनी संसद चलाई, लेकिन अधिकांश संसद जहां अलग अलग नाम से जानी जाती है, वहां पर उन्होंने भारत की तरफ फिजिकल रूप से चलाई।